जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद पर पाकिस्तान जेभली भाव में व्यवहार करी समालोचना करी आंतर्जातिक विशेषज्ञ पाकिस्तान पदक्षेप आत्महत्या भली निज देशर अर्थनीति को न देखि केवल निज राजनीति को बंचाई पाकिस्तान राजनैतिक दलगुड़िक मन इच्छा मंतव्य देउछन्ती वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ कहते यह पाकिस्तान को आहुरी आर्थिक संकट भितरक ठेली पारे आशंका प्रकाश करी एक्सपर्ट क्या इससे उनको क्या फ़ायदा होगा। मैं तो मानता हूँ कि बहुत ये शॉर्ट साइटेड उनके फैसले हैं। ये हमारा कोई इससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, नुकसान उन्हीं का होगा, लेकिन अगर वो सांकेतिक रूप से करना चाहते हैं तो ये उनका निर्णय है। मैं मानता हूँ कि इसका कोई औचित्य नहीं था और जो भी वो कर रहे हैं इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आज की दुनिया में, आज के विश्व में आपस के संबंध बनाए रखना, चाहे वो अच्छे हों या अच्छे ना भी हों, लेकिन अपने संबंध बनाए रखना की एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को वो तोड़ना चाहते हैं तो बहुत कोई समझदारी की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह का रिस्पांस पाकिस्तान में जम्मू और कश्मीर के बारे में हमेशा होता रहा है और हमें कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा देखने के लिए कि उनका किस तरह डेवलपमेंट्स वहाँ पर होते हैं। इस तरह का रिएक्शन जितनी मुझे लगता है थोड़ा इमोशनल है या एकदम लिया गया है दिखाने के लिए अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसीज को कि कुछ एक्शन कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स को कम करना कभी भी अच्छी बात नहीं होती है, तो मेरी राय में इस तरह के डेवलपमेंट इस तरह का स्टेप लेना शायद उनको बाद में भारी पड़ेगा क्योंकि डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मुझे लगता है कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा इससे कि अभी भी डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है कोई बड़े पैमाने पर नहीं चल रहे हैं। थोड़ा बहुत यानी आना जाना रहता है लेकिन उसके अलावा कुछ खास नहीं हो रहा है। तो इस वक्त इसका असर जो मेरी राय में कोई बड़ा नहीं होगा। मुझे लगता है कि डिप्लोमेट्स का आने जाने में, बातचीत करने में बहुत अहम रोल है और अगर उन्हें रास्ता नहीं मिला तो बातचीत नहीं होगी।